हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बच्चों दो थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें पहला आपका है राउंडिंग ऑफ करना, या हिंदी में इसे कहते हैं पुरांशन करना कहते हैं, पुरांशन करना। तो ये केवल इसके कोई कॉन्सेप्ट आपको बहुत केवल थ्योरी चाहिए कि न्यूमेरिकल में हो जाए, और इससे ज्यादा की आवश्यकता यहाँ हमें नहीं है। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं राउंडिंग ऑफ पूर्णांशन करना। तो राउंडिंग ऑफ में एक है टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन मतलब गणना, कंटेनिंग मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट, मतलब जिसमें एक से ज्यादा अनिश्चित अंक होते हैं। इट इज राउंडेड ऑफ टू अप्रोप्राइएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अप्रोप्राइएट मतलब उचित, उचित संख्या में उसका, उचित संख्या में सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, जितने सार्थक अंक तक वो कहेगा राउंड ऑफ करने के लिए, उतने सार्थक अंक तक आपको करना होगा। उसका राउंड ऑफ करने का रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, इसकी कोई परिभाषा विशेष नहीं है, बस अर्थे जितने अंक, जितने सार्थक अंक तक, जितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोलेगा उतने तक आंसर होना चाहिए। उसके बाद जितने अनिश्चित अंक हैं, अनसर्टेन डिजिट हैं, उन्हें हमें विशेष नियम के तहत, विशेष रूल के तहत हटाना होगा। हटाने के लिए वो रूल है, रूल मैं पहले से ही आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया हूं ताकि समय की बचत हो और काम भी हमारा ज्यादा हो जाए। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, ये रूल जानना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है कि हमें याद नहीं है कोई दिक्कत है। देखें, इट इज इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन फाइव, मोर देन फाइव जिनको राउंडेड ऑफ है, पूर्णांशन करना है, वो अगर पांच से अधिक है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय वन, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला, जितने को राउंड ऑफ करना हटाना है हमको, उससे जस्ट पहले वाले में एक अंक की वृद्धि हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, राउंडेड ऑफ 6.87 टू सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर को मैं शॉर्ट में लिखा हूं, ध्यान दें आप, या सीएफ कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिखें। तो 6.87 को दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो दो एक दो, अब ये तीसरा हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया, अनसर्टेन डिजिट हो गया। ये कह रहा है इस नियम के तहत अगर ये पांच से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई वन, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला डिजिट जो है एक अंक की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर विल बी 6. ये चूंकि 7 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए आंसर विल बी 6.9 होगा। ये 5 से ज्यादा होने की वजह से ये 8 में एक ऐड हो जाएगा, जिसमें कोई कठिनाई विशेष नहीं है। एक बार दोबारा पॉइंट लिख रहे हैं, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट माने जस्ट उसके पहले वाले अंक में एक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो राउंडेड ऑफ 6.87 टू सिग्निफिकेंट फिगर, दो सार्थक अंक तक अगर कोई राउंड ऑफ करने के लिए बोलता है तो 7 को हटाना होगा। हटाने के लिए जाहिर है कि ये वैल्यू 5 से ज्यादा है तो जाहिर है जस्ट उसके पहले वाले में एक अंक की वृद्धि हो जाएगी, तो आंसर विल बी 6.9 हो जाएगा। तो राउंडेड ऑफ 6.87 टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर विल बी 6.9 होगा। हाँ, तो ये है, 5 से बड़ा है। अब आइए सेकंड रूल पे, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, अगर ये 5 से क्या है आपकी बार
लेस है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड. लेफ्ट अनचेंज, लेफ्ट मतलब छोड़ देते, अनचेंज माने बिना बदले, बिना चेंज किए छोड़ देते हैं, लेफ्ट अनचेंज. तो जैसे एग्जांपल में दिया राउंडेड ऑफ 3.942 टू सिग्निफिकेंट, 3.94 को दो सार्थक अंकों तक राउंड ऑफ करना है, तो 9 दो सार्थक मतलब 3.9 ये हो गया. अब ये 4 हमारे लिए क्या हो गया, अनसर्टेन डिजिट हो गया, तो इसको मैं हमको हटाना है. हटाने के लिए हम जो है ये देखेंगे वैल्यू कैसा, ये वैल्यू 5 से कम है, लेस देन 5, 5 से कम होने की वजह से हम बिना पहले वाले में कोई चेंजिंग किए इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, लेफ्ट अनचेंज्ड. लेफ्ट अनचेंज्ड, लेफ्ट मतलब छोड़ देते, अनचेंज माने बिना बदले, तो बिना कोई उसका बदले छोड़ देते हैं, तो आंसर विल बी 3.9. ध्यान दें, तो हम समझते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे. हाँ, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तीसरा रूल आपका है, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, अब तक 5 से ज्यादा था या 5 से कम था, पहली बार आया अगर 5 है तो क्या होगा. इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1. प्रीसीडिंग डिजिट मतलब उससे जस्ट पहले वाले में एक की वृद्धि होगी, लेकिन उसकी शर्त है, एक की वृद्धि होगी या नहीं होगी, उसकी दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन का ध्यान आवश्यक है आपके लिए. तो ध्यान दें, इफ इट इज ऑड, इट इज ऑड, अगर वो इफ इट इज ऑड देन इज लेफ्ट अनचेंज, अनचेंज तब हम उसे बिना बदले छोड़ देंगे, इफ इट इज इवन. तो इसका दो सवाल हो रहा है, ऑड है तो एक की वृद्धि होगी, और अगर इवन है तो बिना बदले हम उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे. तो पॉइंट फिर क्लियर करें, इफ द डिजिट, या पहले न्यूमेरिकल देख लें, इसका क्वेश्चन देख लें, एक एग्जांपल लेके, राउंडेड ऑफ 14.35 एक है, तो ये राउंडेड ऑफ, हाँ देखिए राउंडेड ऑफ एक इसका करना है, एक इसका करना है, 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर. आगे कह रहा है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसे राउंड ऑफ करना है, तो 3 में 1, 2, 3 मतलब इतना में हमको चाहिए, तो 5 जो है अनसर्टेन डिजिट हो गया, 1, 4, 4 5 यहां अनसर्टेन डिजिट हो गया. अब ये दोनों को राउंड ऑफ करना, इसका आंसर कितना आएगा, अब इसके लिए यहां फिर नियम है, वो कह रहा है ये 5 है जिसको राउंड ऑफ करना है, हटाना जिसको है वो 5 है, 5 को हटाना है, तो उसके जस्ट पहले वाली अंक जो है ऑड है, और ऑड अगर है तो एक ही क्या होगी, इंक्रीज्ड बाय 1, यहां भी 5 है, 5 के जस्ट पहले इवन है, तो इवन है जो, तो एज इट इज जो का त्यों हम उसे रख देंगे बिना बदले. ये 3 है, 3 के ये 3 ऑड है, और उसके बाद में 5 है, तो ये एक की वृद्धि हो जाएगी, तो 14.4 हो गया इसका आंसर. अब ये भी 14.4 ही होगा, क्योंकि 4 इवन है, इवन की वजह से 5 को बिना चेंज किए हम लोग छोड़ देंगे, मतलब इन दोनों का आंसर 14.4 है. ये आंसर सेम नहीं होता है, तो संयोग से मैं ऐसी डिजिट रखा हूं, जाहिर है दोनों का आंसर एक है. हाँ, तो एक बार रूल दोबारा देखे जाए, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, राउंडेड ऑफ जिनको करना है वो क्या है, 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, यदि यह क्या है, विषम संख्या है, एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड, बिना बदले हैं, और दूसरा कंडीशन है एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड, बिना बदले छोड़ देंगे, इफ इट इज इवन, अगर राउंडेड ऑफ, इफ इट इज इवन, अगर वो क्या है, सम है, इवन मतलब सम है. तो ध्यान दें, हम समझते हैं आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा,
तो राउंडेड ऑफ यहाँ 5 को करना है, राउंड ऑफ यहाँ 5 को करना है, तो 5 से पहले यहाँ 8 है, तो जाहिर है कि इसमें एक की इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 14.4। ये राउंडेड ऑफ 5 को करना है, 5 यहाँ जो है 5 को करना है, 5 के जस्ट पहले जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर अगर है तो एज इट इज जो कहते हो रख दिया जाता है, जो राउंडेड ऑफ जिनको करना है उन्हें बिना बदले लेफ्ट अनचेंज्ड, बिना बदले हम छोड़ देते हैं, और यहां बिना बदले हम नहीं छोड़ेंगे, यहां इसको हटाएंगे लेकिन उससे जस्ट पहले वाले में एक ही क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो राउंडेड ऑफ संबंधी ये नियम है, और तो हम समझते हैं आपको पूरी तरह समझ में आओगे, तीन रूल है, तीनों सफाई से अध्ययन कर लें और बहुत साफ सुथरा लिखा है और नोट बना डालें, और इसकी कोई डिफिनेशन नहीं आती, बस यही तीनों रूल आपको एक बार ध्यान दे देना है। हाँ, इतना ध्यान देना है कि ये इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर, मैं एक क्वेश्चन आगे दे रहा हूँ वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक है मान लेते हैं, तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा और राउंड ऑफ करने के लिए 3 रूल आपको फॉलो करना होगा, इसे सफाई से लिख लें और अध्ययन कर डालें, हिंदी की बुक में भी दिया होगा, अपना देख लें। एक बार डिफिनेशन और क्लियर कर लें, राउंडिंग ऑफ टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन मतलब यहां गणना से ताल्लुक है, कंटेनिंग मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट, मोर देन 1 एक से अधिक अनिश्चित अंक हो सकता है, इट इज राउंडेड ऑफ टू अप्रोप्राइएट मतलब उचित नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, उचित सार्थक अंक तक आपको लिखना रहेगा उसको। हाँ, तो ये 3 रूल है, 3 रूल आपके लिए जरूरी है, 3 आप जानिए, उसके आधार पर हम लोग सवाल लगाएंगे। तो आज का ये इस थ्योरी पर हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं, वहां क्वेश्चन लास्ट में लिखा है। जो लड़के क्लास 12th में हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि हमारे पुरानी वीडियो जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसमें कुछ डाले गए हैं वो बहुत जरूरी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन वहां किए गए हैं, वो डेरिवेशन क्रमबद्ध तरीके से पढ़ डालें, हम तो यही चाहेंगे। बहरहाल हाँ, ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है आज का इस थ्योरी पर, द फॉलोइंग वैल्यू कैन बी राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर एज फॉलो। हाँ, तो ये जो वैल्यू दिया गया है ये 4 सार्थक अंकों तक आपको राउंडेड ऑफ करना है, तो इसमें देखते हैं 36.879, तो 4 तक करना मतलब यहां तक मेरे को चाहिए, और ये भी 4 तक यहां तक चाहिए, ये भी 4 तक इतना चाहिए, 50 मेरे को नहीं चाहिए, ये भी 4 तक इतना चाहिए, 5 हटाना है, ये भी 4 तक इतना ही चाहिए, ये भी इतना चाहिए। हाँ, तो ए का आंसर तो 36.879, तो यहां कहेंगे 9 इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि सिंस 9 इज ग्रेटर देन 5 इसलिए 7 इंक्रीज्ड, इसलिए 7 इंक्रीज्ड बाय 1, इसलिए 7 इंक्रीज्ड बाय 1, 7 इंक्रीज्ड बाय 1, तो आंसर विल बी 36.88, ये होगा इसका आंसर, पहले का जवाब 36.88 होगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है 9, इसलिए एक इसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब बी वाला आंसर देखें, बी वाला तो 8 तक, तो यहां कहेंगे बी वाले में कहेंगे क्योंकि ये 4, ये 4 अंक हो गए, 4 इज लेस देन 5, इसलिए
इसलिए हाँ इसलिए फोर को क्या कर देंगे, तो एट इज लेफ्ट, एट इज लेफ्ट, एट इज, एट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, एट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो आंसर विल बी होगा 1.008। तो इसमें जो है ये वैल्यू 5 से ज्यादा था तो 7 में इंक्रीज करना पड़ा, इसमें 4 वैल्यू 5 से कम है इसलिए 8 इज लेफ्ट अनचेंज्ड, 8 को बिना बदले ही छोड़ देते हैं, मतलब जो कहते हो रख देते हैं, लेफ्ट अनचेंज्ड, जो कहते हो एज इट इज जैसे है वो रख देते हैं। हाँ आंसर सी पे गौर करते हैं, ये देखिए ये है आंसर सी, तो 11.1250, तो ये 2 में क्या करेगा, तो ये 5 है उसके बाद, उसके बाद क्या है 0 है, तो ये 2 जो है इवन है, 2 क्या है इवन है, इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, टू इज इवन, टू इज इवन, चूंकि टू इज इवन, चूंकि टू इज इवन, इट इज लेफ्ट अनचेंज, इट इज लेफ्ट तो आंसर विल बी होगा, ध्यान दें ये इसके जस्ट 5 है और 5 के जस्ट पहले, क्योंकि 4 अंक तक मेरे को यहां तक चाहिए, उसके जस्ट पहले जो है इवन है, इवन है तो ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, मतलब इसका आंसर होगा 11.12। ये एक इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि अभी हम थ्योरी पढ़ाए हैं, अगर उसके बाद 0 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 है या केवल 5 है दोनों दशाओं में, अगर 4 अंक तक यहां करना है और जिस जहां तक करना है लास्ट वाला जो है 2 है इवन है तो एज इट इज वहां तक लिख दिया जाएगा, एक इंक्रीज नहीं किया जाएगा। और अब डी वाले का आंसर देखते हैं, डी वाले का आंसर है 1 है, 4 अंक तक 11.11 हो रहा है, अब ये आड है, सिंस लास्ट 1 इज आड, लास्ट वन इज आड, अगर आड है इट इज इंक्रीज बाई 1, इट इज इंक्रीज, इट इज इंक्रीज बाई 1, तो आंसर विल बी होगा, तो ये चूंकि 5 है, 5 के जस्ट पहले आड है, आड है तो एक वृद्धि होगा, ये रूल में लिखा है, आप सावधानी पूर्वक देखिए, इसका आंसर 11.12 होगा, आंसर विल बी इतना होगा, तो डी तक हम लोग लिख लिए। डी के बाद ई पर गौर करते हैं, ई आपका है 11.1251, ये थोड़ा सा है तगड़ा, 11.125, देखिए भाई हाँ इसको थोड़ा सा रुके रखो, ये पॉइंट सी हो गया, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट एफ पर भी गौर करें इसी वक्त, ये दोनों साथ करना चाहिए था,
इलेवेंथ पॉइंट 1250, 5 के बाद 0 हो, इसमें 0 नहीं है, सेम डिजिट है, दोनों के सार्थक पे कोई प्रभाव नहीं है। 5 कहिए या 5 के आगे अगर 0 भी लगा है तब भी आंसर वो इवन वाली जो थ्योरी होती है उसके जस्ट पहले अगर इवन है तो एज इट इज उसका आंसर जो कहते हो लिख दिया जाएगा 11.12। इसका भी आंसर वही है, इसके बगल में 0 नहीं है। अगर 0 के अतिरिक्त तो कोई भी गिनती है तो वो हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो 51 50 से क्या हो जाएगा? बढ़ा, आधे से उधर वो फिसक जाएगा, आधे से ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 51। या देखिए 51 इज ग्रेटर देन 50, इसलिए मजबूरन एक ही क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। तो तीसरे नियम में थोड़ा सा है दिमाग आपको लगाना है, ये जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पे ये पॉइंट ख्याल करें आप। मैं फिर कह रहा हूं कि 5 के पहले अगर 8 है तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, ये निश्चित है हमेशा हर समय, जो 4 सार्थक अंक करना है उसके जस्ट बाद में 5 है और ये 8 है, जैसा कि यहां है 8 है, 8 है तो 5 है, 5 के आगे चाहे जो लिखा हो इसमें 1 की वृद्धि होना निश्चित है, इसमें कोई नियम कानून नहीं। इवन वाले में प्रॉब्लम, इवन वाले में हम देखेंगे, इवन वाले में 2 है या 5 है या 50 है, तब तो 2 का 2 एज इट इज रख दिया जाएगा, लेकिन 5 के आगे कुछ ना लिखा हो या 0 लिखा हो तब तो एज इट इज हो जाएगा, लेकिन अगर 0 के स्थान पर एक कोई भी डिजिट आ जाए, मतलब वो अब ये ना हो गया, ये 50 हो गया, ये केवल 5 हो गया, तो अभी अगर 51 हो गया या 52 हो गया 53 हो गया, इस टाइप का आगे बढ़ रहा है मामला अगर, तो जो है इवन होते हुए भी 1 की वृद्धि करना पड़ेगा। तो यही आपको ध्यान देना है ई वाले केस में। यस यस, यहां कहेंगे तो चूंकि 51 इज ग्रेटर देन 50, इसलिए 2 इज इंक्रीज्ड बाय 1, 2 इज इंक्रीज बाय 1, तो आंसर विल बी होगा, इसका आंसर विल बी होगा 11.13। ये एकदम विशेष है, ध्यान दिया जाए। और लास्ट का मैं एफ लिख रहा हूं, एफ वाले में इसमें कोई क्वालिटी नहीं है 11.125। मैं कह रहा हूं यहां 5 के बाद कुछ ना या 0 हो तो ऐसी दशाओं में एज इट इज ये लिख दिया 11.12, ये आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर है। यहां 0 हो या कुछ ना लिखा हो तब तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, 4 अंक तक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक पूछा था लिख दिया गया, लेकिन 5 के बाद 0 के अतिरिक्त अगर कोई आ गया 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 51, 53, 54 इस टाइप केस आ गया अगर, तो ऐसे केस में 2 इज इंक्रीज्ड इवन होते हुए भी 1 की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान दें, नोट। तो ये सावधानी पूर्वक इसे सुने और सवाल को हल करें, हमें पूरा उम्मीद है कि आपका इसे संबंधित कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। हाँ, आप उतार लें। हाँ, अगला हेडिंग बच्चों पढ़ना है, आज का अंतिम हेडिंग है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, या इसे हिंदी में कहते हैं कोटिमान। कोटिमान हम लोग जानते हैं और सब लोग सुने होंगे, छोटे क्लास से लेकर इंटरमीडिएट किताब तक ठीक ठाक तरीके से दिया हुआ है, लेकिन दुख की बात है कि इंटरमीडिएट में जो इसका रूल दिया है वो गलत दिया है। ध्यान दें, तो इंटरमीडिएट में ये चीज जो है गलत दिया है, इंटरमीडिएट में दिया है जैसे यहां देखें 4.9, इंटरमीडिएट में दिया है जैसे कोई वैल्यू दिया है 4.9 अगर है, पूरे 10 टू पावर 2 दिया है, मान लेते हैं ये वैल्यू,
अगर ये वाली वैल्यू एन की एन मान लेते हैं इसे, अगर ये वैल्यू 3.16 से बड़ा है तो एक ऐड कर देंगे और छोटा है तो हम उसे छोड़ देंगे, ये कहा गया है। तो ये थ्योरी जो है गलत है, ये ठीक नहीं है, इससे हर प्रॉब्लम नहीं हल हो पाएंगे, ये कंसेप्ट ही पूरी तरह गलत है। जो लड़के कंपटीशन का पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं कंपटीशन की या कोचिंग करते हैं, वहां ये नहीं चल पाएगा, एकदम गलत है। इंटरमीडिएट में ये हेडिंग गलत दिया है, ध्यान सुने। तो हमको यही करना है, इसका रूल आसान तरीके से जान लेना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। 10 की घात में हमें क्या करना होता है, परिवर्तित करना होता है। दिस पावर इज डिटरमाइंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी प्रॉपरली। नियम देखें, फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए द लास्ट डिजिट इज सिंपली इग्नोर्ड। इनकी लाइन है इसी तरीके, इतने आपको पढ़ना है। लास्ट डिजिट इज सिंपली इग्नोर्ड माने छोड़ देंगे इफ इट इज लेस देन 5। अगर 5 से कम है तो हम उसे छोड़ देंगे, 10 की पावर में हम इंक्रीज नहीं करेंगे। एंड इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इज 5 आर मोर देन 5। तो अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो 10 की घात में 1 की वृद्धि कर देंगे। तो जितने जिसे क्वेश्चन में दिया हूं, यहां ध्यान दे, 0.5 और 5 के बीच में अगर एन पड़ता है, जो डिजिट आएगा 10 की घात लगाने के बाद, उसको अगर इसके बीच पड़ता है तो हम उसे छोड़ देंगे वो, और अगर बीच नहीं पड़ता है, 5 या 5 से ज्यादा आता है तो 10 की पावर में हम 1 ही इंक्रीज कर देंगे। हाँ, रूल देखें, क्वेश्चन देखें इस थ्योरी पर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो। देखें पहला क्वेश्चन है 4.9, तो जहां तक मेरी जानकारी, तो मैं इसको पहले पावर में लिखूंगा 4.9, एक अंक बाद दशमलव लगा के 10 की पावर में कर दीजिए। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 होगा, क्योंकि 4.9 में 10 से गुणा करेंगे 49 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम देखते हैं, ये वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में पड़ रहा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे अभी, ये एन जो है इनके बीच में है, और वैसे भी 4.9 है, ये 0 से 10 के बीच सोचे तो ये इधर पड़ता, आधे के इधर पड़ रहा है, आधे के उधर नहीं पड़ा, आधे के जब इधर पड़ रहा है तो हम इसे छोड़ देंगे। तो ये आएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 to power 1। एक चीज और ध्यान दें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, 2, -2 इस टाइप से भी किताब में लिखा रहता है। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिया है -2, तो इसका मतलब 10 to power -2 है, आपको ये ध्यान देना है। -2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, तो -2 कह रहा है अगर, तो उसमें छिपा हुआ है 10, जो उसमें बेस है वो छिपा हुआ। इसका कोई कह दे किताब में लिख देता ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 मतलब 10 to power 1 है वो। हाँ, अब इसे लिखते हैं 5.1 × 10 to power 1। यहां भी इसका ये वैल्यू जो है ये 0.5 और 5 के बीच में नहीं आ रहा है, वैसे भी ये आधे से ज्यादा है तो 10 की ओर खिसक रहा है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या करना पड़ेगा, अगर ये इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज मोर, इट इज 5 आर मोर देन 5, 5 हो या मोर देन 5 हो अगर ये वैल्यू, तो ये इसकी पावर में 1 की इंक्रीज कर देते हैं। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 10 to power 2। ध्यान दें, अब देखें इसे एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो ये 4 पॉइंट यहां
मान बढ़ा रहे हैं तो घटाना होगा 4.9 गुणे 10 टू पावर, ये माइनस 2 आ रहा है पावर में लिखने पर, 10 टू पावर में लिखने पर ये आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में पड़ रहा है, और वैसे भी ये जो है 5 के अंदर इधर पड़ रहा है, तो जाहिर है जीरो की ओर आ जा रहा है, इसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर ये 5 से ज्यादा होता तो इसमें होता, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहां पर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ इंक्रीज नहीं होगा। आगे देखें, ये पॉइंट यहाँ ले जाओ, एक अंक बाद दशमलव का 0.5 ये आ रहा है, यहाँ गुणे 10 टू पावर माइनस 2, यहाँ क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू यहां कहा गया है, इफ इट इज 5 आर मोर देन 5, 5 है तब भी जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एक ही क्या करना होगा, वृद्धि करना। तो इसमें जब प्लस 1 जोड़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल भी हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 1। हम समझते हैं आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। और लास्ट वाला है 5.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, इसे भी कर सकते हैं, हाँ सौ से भाग देंगे तो यही केस फिर आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 5 से अधिक भी है, 5 से अधिक है तो जाहिर है इसमें एक ही क्या करना होगा, बोलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 10 पावर माइनस 1, तो इसका भी आंसर वही आया। तो हम समझते हैं कि इतनी थ्योरी के बाद यहां देखें, यही इतने से आपका काम चल जाएगा, ये इतनी थ्योरी और ये लाइन नोट, इतना आपको अगर जानकारी में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए मैं कह रहा हूं या कोटिमान लिखने के लिए, पहला काम तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएं और जो वैल्यू हो पावर में करके लिखें, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। और अगर वो वैल्यू जो एन है, यहाँ पे एन जो है ये वैल्यू है, अगर ये वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में पड़ता है तो हम इसे छोड़ देंगे, जो भी पावर है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ा है तो जो भी पावर होगा उसमें एक की वृद्धि कर दिया जाएगा। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कई बार पावर में लिखा होता, कोई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस 2 लिख दे, इसका मतलब ये 10 टू पावर माइनस 2 है। आप ध्यान दें, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दूसरा नाम डराना है। आप बिना डर और टेंशन के पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।